नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। देहरादून जिले में एक तरफ जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या रफ्तार पकड़ रही है, वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से होम आइसोलेट मरीजों की सुध नहीं ली जा रही है। संक्रमितों की काउंसलिंग के लिए भी 2 से 3 दिन बाद संपर्क किया जा रहा है। साथ ही दवाइयां और ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर आदि की किट मिलने में भी 1 हफ्ते का समय लग रहा है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने रियलिटी चेक के लिए पहुंची तो हकीकत कुछ और ही निकलकर सामने आई। देखिए ये रिपोर्ट। देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। लगातार बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या से राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके साथ ही सरकार ने भी सभी लोगों को दिशा निर्देश दिए हैं कि कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अगर उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है तो वो सभी होम आइसोलेट हो सकते हैं, और उन सभी होम आइसोलेट मरीजों को सरकार उनके घर पर ही होम आइसोलेशन किट पहुंचाएगी। लेकिन किट मरीजों तक नहीं पहुँच पा रही है, जिसकी पड़ताल करने न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम पहुँची। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम देहरादून के सीएमओ ऑफिस पहुंची तो उन्होंने देखा होम आइसोलेशन किट सीएमओ ऑफिस में पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन किट लोगों तक नहीं भेजी जा रही। इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि किट में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का फोटो है, जिस वजह से किट लोगों तक नहीं भेजी जा रही है। और सीएमओ ऑफिस में सभी कर्मचारी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की फोटो हटाने का काम कर रहे हैं, और जिन किट से फोटो हट गई है वो किट ही लोगों तक पहुंच पा रही है। पूरे प्रदेश में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। देश भर के साथ साथ उत्तराखंड में भी जो हालात हैं वो काफ़ी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और सरकार के लिए भी काफ़ी चुनौतियां यहाँ पे सामने दिख रही है। अगर बात करी जाए तो सरकार भी यहाँ पे जो है कोरोना के मरीज से यहाँ पे कह रही है कि होम आइसोलेट हो, और जो मरीज यहाँ पे होम आइसोलेट यहाँ पे हो रहे हैं और उनको जो किट जो यहाँ पे वितरण हो रही है उनमें काफ़ी देरी हो रही है। तो वो जो देरी हो रही है वो इसलिए हो रही है, हम आपको साफ तौर पर तस्वीरों में यहाँ पे दिखा सकते हैं। जो देरी की वजह है वो इसलिए है क्योंकि जो यहाँ पे जो किट यहाँ पे जो दी जा रही है होम आइसोलेशन जो किट है वो यहाँ पे आज न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की जो टीम है वो यहाँ पे रियलिटी टेस्ट करने आई है, और हम आपको दिखाएंगे जो लेट यहाँ पे हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि इस COVID-19 होम आइसोलेशन किट में आप देख सकते हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनकी यहाँ पे फोटो लगी हुई थी। इसको लेके जो ये मेन यहाँ पे जो कारण था वो यही था, जो इन किट थी इनमें जो है आप देख सकते हैं तमाम जो किटें हैं इनमें जो है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की फ़ोटो यहाँ पे नज़र आ रही होगी आपको। इसीलिए जो होम आइसोलेशन में जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको यहाँ पे देरी हो रही है। उसके बाद अगर बात करी जाए अब यहाँ पे जो CMO हैं डिमरी जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो पैकिंग थी ये यहाँ पे पहली हो गई थी, समय पे किट यहाँ पे दी जा रही है, लेकिन जो पेशेंट यहाँ होम आइसोलेशन में है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो किटें उनको मिल रही हैं उनमें काफ़ी देरी है, और एक यही बड़ी वजह यहाँ पे देखी जा रही है। और भी हम आपको अगर बात करें तो हम आपको दिखाएं तो जिस तरीके से जो अब जो है पूर्व मुख्यमंत्री की जो फ़ोटो थे वो यहाँ पे हटा दिए गए हैं, नई पैकिंग यहाँ पे हो रही है, हम आपको साफ तौर पे दिखाएंगे जिस तरीके से यहाँ पे हम नई पैकिंग यहाँ पे हो रही है, और भी डब्बे हम आपको दिखाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री की जो फ़ोटो थी वो इससे हटा दी गई है, और जिस तरीके से आप देखो तो नया लोगो यहाँ पे लगा दिया गया है जिसमें कोविड का टीका ये बैनर एक यहाँ पे लगा दिया गया है। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से जो पूर्व मुख्यमंत्री की फ़ोटो थी वो यहाँ पे हटा दी गई थी और नई पैकिंग यहाँ पे हो रही है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने CMO से बात करने की कोशिश की तो वो किट में देरी होने की वजह कुछ और ही बताते हुए नजर आए। CMO का कहना है कि किट सभी लोगों को मिल रही है और सभी कर्मचारी किट पहुंचाने के लिए तेजी से काम भी कर रहे हैं। मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ी है, इस वजह से किट लेट हो रही है। कोई भी अगर आपसे कह रहा है तो बिल्कुल गलत आपको कह रहा है कि जो है मुख्यमंत्री की फोटो लगी इससे नहीं बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नीचे लोग कितने लोग लगे हुए होम आइसोलेशन किट बनाने में, ये लोग डेली लगे हुए हैं और सुबह से लगे हैं, सुबह से शाम तक जो है ये लोग सारे किट बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि किट की कमी हो गई है, हम लगातार बना के रख रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं एक दिन में हजारों मरीज आ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि जब मरीज आ जाएगा तब हम किट बनाएंगे, तो हम उसकी पूरी तैयारी करके रख रहे हैं, जो कि प्रशंसा होनी चाहिए इस बात की। हम तो पूरी तैयारी करके हमारी पूरी टीम लगी हुई है ताकि कल परसों नर्सों भी जैसे जैसे पेशेंट आते हैं सबको पहुँचाए। आप देख रहे हैं कि संख्या बहुत ज़्यादा है और अचानक से संख्या बढ़ी है, तो इसका पूर्वानुमान किसी को नहीं था। तो इसलिए जो है ऐसा हुआ कि जो है थोड़ा सा उसमें किसी को एक दिन देर में मिल पा रही है, लेकिन हमारी टीम उसमें पूरी क्षेत्र में भी लगी हुई है, दूरभाष से भी उनके संपर्क में है। कई लोग जो आप कहेंगे कि उनको नहीं मिल पा रही है, उनका है क्या कि कई लोगों ने फ़ोन नंबर गलत दिए होते हैं। ऐसे में जिस तरह से CMO किट पर्याप्त होने की बात कर रहे हैं, सवाल उठता है कि अगर किट पर्याप्त मात्रा में है तो फिर मरीजों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, क्यों मरीजों तक किट पहुंचने में देरी हो रही है। वहीं देखने वाली बात होगी कि होम आइसोलेशन में जो मरीज हैं उन तक किट कब तक पहुंच पाएगी। देहरादून से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट।
देश के साथ साथ ही हल्द्वानी सहित पूरे उत्तराखंड में कोविड से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। शहर के ज्यादातर निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में हालात और न बिगड़े, इसको देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम को कोविड अस्पताल बना दिया है, जहाँ 200 बेड तैयार किए गए हैं। SDM विवेक राय ने बताया कि कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मिनी स्टेडियम में 200 बेड का अस्पताल बनाया गया है, जिसमें 75 बेडों को ऑक्सीजन प्लांट से जोड़ा जाएगा। जरूरत पड़ने पर अन्य बेडों की भी ऑक्सीजन युक्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल मिनी स्टेडियम को सुरक्षित रखा गया है और आवश्यकता पड़ने पर मिनी स्टेडियम को मरीजों के लिए संचालित किया जाएगा। देश में कोरोना से हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड में भी कोरोना से हालात बेकाबू हैं। इसी को लेकर राज्य सरकार की तरफ से लिए गए फैसलों की जानकारी देने के संबंध में प्रभारी सचिव स्वास्थ्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में बेकाबू होते कोरोना को लेकर हर दिन नई गाइडलाइन जारी की जाती है। ऐसे में प्रदेश में हालात और राज्य सरकार की ओर से इसके नियंत्रण के लिए जा रहे फैसलों की जानकारी देने के संबंध में प्रभारी सचिव स्वास्थ्य पंकज कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने लगातार राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। हम आपको कुछ बेसिक डेटा दो तीन चीजों का बता देते हैं, फिर बाकी हम आपको जो कुछ नई चीजें वो हम आपको बता देंगे, जिससे आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको भी हम लोग ले लेंगे। कॉन्फ्रेंस स्टेडियम में 1000 बेड जो है हम लोग उसको ऑक्सीजन बेड के साथ कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी अरेंजमेंट लगभग हो चुका है। मोस्ट प्रोबेबली कल से वो भी चालू हो जाएगा हमारा। तो ऑक्सीजन बेड की एक बड़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी देहरादून के अंदर ही। आप समझिए कि 1000 से लेकर 1500 के आसपास बेड हम लोग बढ़ा ले जाएंगे। बता दें उत्तराखंड में गुरुवार को करीब 4000 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 19 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई। वहीं प्रदेश भर में आइसोलेशन बेड की कुल संख्या 10,375 है, जिसमें से 9,388 आइसोलेशन बेड प्रदेश में अभी खाली हैं। देहरादून से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट। कोरोना के संक्रमण का असर अब ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर भी होने वाली मां गंगा की आरती पर भी दिखाई देने लगा है। संक्रमण से बचाव के लिए गंगा सभा ने आरती सूक्ष्म कर दी है, जिसमें 16 पंडितों की जगह अब केवल 5 पंडित ही आरती करेंगे। यही नहीं, गंगा आरती के दौरान पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बैठने की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। आरती के दौरान श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़ा किया जाएगा। साथ ही आरती के बाद तिलक प्रसाद पर भी गंगा सभा ने प्रतिबंध लगा दिया है। रुड़की में आबकारी विभाग की टीम ने सैकड़ों जिंदगी को बचाने का काम करते हुए नकली अंग्रेजी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बता दें मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के थिकती गांव से आबकारी निरीक्षक मानवेंद्र पंवार के नेतृत्व में आबकारी टीम ने छापेमारी की। मौके से नामी अंग्रेजी ब्रांड की शराब की बोतलें, ढक्कन समेत रेक्टिफाइड स्प्रिट मिला है। साथ ही मौके से बता दें आरोपी फरार हो गए। वहीं आबकारी निरीक्षक मानवेंद्र पंवार को सूचना मिली थी कि मंगलौर इलाके में नकली फैक्ट्री तैयार कर शराब भराई की तैयारी का काम किया जा रहा था। इस नकली अंग्रेजी शराब को आसपास के इलाकों में बेचा जाना था। इसकी सूचना पर देर शाम आबकारी विभाग ने छापेमारी कर सैकड़ों खाली बोतलों के ढक्कन रैपर समेत बड़ी संख्या में बरामद किया है। जहां पूरे देश में कोरोना महामारी बहुत ही भयंकर रूप ले चुकी है, जिसके चलते रोज पूरे भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या लाखों में हर दिन बढ़ रही है, वहीं हरिद्वार में कुछ विभाग जिला प्रशासन की मिली भगत से अपने थोड़े से फायदे के लिए सरकार की तरफ से लगाए गए कर्फ्यू को भी अनदेखा कर रही है। हरिद्वार में जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी लोगों की जिंदगी की परवाह किए बिना शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। दुकान मालिकों ने साफ साफ कह दिया है कि वो दुकानें बंद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे कोई भी आदेश नहीं है, इसीलिए हम दुकान किसी भी रूप में बंद नहीं करेंगे। जबकि जनपद हरिद्वार के जिलाधिकारी और उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सभी दुकानें 2 बजे के बाद बंद करने का आदेश जारी कर रखा है। कुछ आवश्यक सेवाओं को 7 बजे तक खोलने का समय दिया गया है, लेकिन शराब की दुकानों को खोलने को लेकर जब जनपद के अधिकारी ही चुप्पी साध कर तमाशा देख रहे हैं, तो आगे लोगों की जिंदगी से किस तरह से खिलवाड़ किया जाएगा, यही देखने वाली बात है। लेकिन दिलचस्प बात ये भी है कि जिलाधिकारी और उत्तराखंड सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए शराब की दुकानें तो खुली ही हैं, साथ में कैंटीन भी खुली हुई है, जिसमें काफी संख्या में लोग मौजूद हैं।
जहां पर कोरोना के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहां ना तो किसी ने मास्क लगाया है और ना ही सरकार के बनाए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। मामला जनपद हरिद्वार के आला अधिकारियों के संज्ञान तक पहुँचा दिया गया है, लेकिन इस पर कब तक कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात है। हरिद्वार से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए इंतजार रजा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बढ़ते नशे के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चलाती रहती है। इसी कड़ी में कोतवाल पुलिस ने 10 ग्राम स्मैक के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। बता दें आरोपी युवक नशे के आदि बताए जा रहे हैं। साथ ही आरोपी युवक यूपी के बिलासपुर क्षेत्र से स्मैक की खेप लाकर सप्लाई करते थे। रुद्रपुर कोतवाल पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से 10 ग्राम स्मैक बरामद की है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक कल देर शाम रामपुरा चौकी पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि रामपुर रोड पर AN झा इंटर कॉलेज के मैदान के पास दो संदिग्ध युवक खड़े हैं। सूचना पर रामपुरा चौकी प्रभारी अनिल जोशी पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस को देख अंधेरे में खड़े दो युवक भागने लगे। शक होने पर पुलिस कर्मियों ने उनका पीछा कर धर दबोच लिया। रामपुरा चौकी क्षेत्र का मामला है, इसमें कल सूचना आई थी कि दो व्यक्ति द्वारा जिनके पास ड्रग्स होना बताया जा रहा है, तो उसमें दोनों की तलाशी ली गई। उसमें उनके पास 10 ग्राम से ज्यादा स्मैक होना पाया गया, तो इसमें दोनों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तलाशी के दौरान दोनों युवकों से 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना नाम हरि मोहन और महेंद्र निवासी रामपुरा बताया। उन्होंने बताया कि वो नशे के आदि हैं और नशे की खेप यूपी के बिलासपुर से लाकर वो इसका प्रयोग करते हुए जो लोग नशे के आदि हैं उन्हें सप्लाई भी करते हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए रुद्रपुर से दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में शुक्रवार को भी मौसम का मिजाज बदला हुआ देखने को मिला। राज्य में एक और जहां पहाड़ों में बर्फबारी हुई, वहीं मैदानी जनपदों में बारिश देखने को मिली, जिससे तापमान में अच्छी गिरावट हुई है। वहीं मौसम वैज्ञानिक रोहित अपलियाल का कहना है कि आज अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि 2800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। वहीं टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा, चंपावत में ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। साथ ही 24 अप्रैल से मौसम सामान्य होगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि बारिश और बर्फबारी से सामान्य से 6 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। पहाड़ों में कुछ जगह बारिश और ओलावृष्टि से ठंड फिर लौट आई है। चार धाम में एक बार फिर ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई, जबकि इसके चलते केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हुआ है। उधर गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल घाटी में भी बर्फबारी हुई। वहीं जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में झमाझम बारिश हुई। देखिए रिपोर्ट। गंगोत्री धाम में फिर से एक बार बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे ठंड एक बार फिर लौट आई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि 10-15 साल बाद हमने अप्रैल के महीने में ऐसी बर्फबारी दूसरी बार देखी है। वहीं काश्तकारों का कहना है कि ऐसी बर्फबारी होती रहेगी तो हमारे सेब के बगीचों में फ्लावरिंग हो रखी है, जो कि बिन मौसम बर्फबारी की वजह से खराब हो जाएगी। अगर बर्फबारी का सिलसिला यूं ही चलता रहे तो इस बार भी सेब के काश्तकारों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है और हर्षिल क्षेत्र में ये अभी दूसरी बर्फबारी है, और इससे पहले दिन में ओले गिरे थे और 3 दिन पहले बर्फबारी हुई थी, जिससे किसानों को 60% का सेब पे नुकसान उठाना पड़ा है। अभी और पड़ी है तो इससे कितना नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी फ्लोरिंग जो हाइट वाले बगीचे हैं उन पे फ्लोरिंग चल रही है और इसका पता 1-2 दिन बाद लगेगा, और जिससे किसान बहुत मायूस हो रखे हैं। धन्यवाद। दरअसल हर्षिल घाटी सेब के उत्पादन को लेकर खास पहचान रखती है। हर्षिल घाटी के 8 गांवों के ग्रामीण की आजीविका का मुख्य जरिया सेब उत्पादन है, लेकिन इस बार बर्फबारी ने काश्तकारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बीते साल 9 अप्रैल को भी हर्षिल घाटी में बर्फबारी हुई थी, लेकिन उसके बाद मौसम एकदम साफ हो गया था, लेकिन इस बार तो सेब के काश्तकार मायूस हो गए हैं। उपला टकनौर जनमंच के अध्यक्ष माधवेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि हर्षिल घाटी में अप्रैल के महीने 4 बार की बर्फबारी हो चुकी है,
लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान बुधवार की रात और गुरुवार को हुई बर्फबारी से हुआ है। सेब की फसल के नुकसान के लिए काश्तकार बीमा कंपनी से भी संपर्क कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन संपर्क नहीं हो पा रहा। वहीं पौड़ी, श्रीनगर, गढ़वाल, कीर्ति नगर में भी सभी क्षेत्रों में तेज बारिश से शहर में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज बारिश के बाद कुछ देर जमकर ओले भी गिरे। वहीं ओलावृष्टि होने के बाद तापमान में गिरावट आने से एक बार फिर मौसम सुहाना हो गया है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए सुमित कुमार और भगवान सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।